वेलकम बैक। वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 7 इन टेक्स्ट साइटेशंस एंड इसमें हमारे लिए ये पार्ट 3 है। और अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन साइट टेक्स्ट टेक्स्ट साइटेशंस में कि इस बुक इस चैप्टर की समरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और समरी में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि टेक्स्ट साइटेशंस क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है प्लेजरिज्म, और प्लेजरिज्म के बाद हम लोग तीसरा सब टॉपिक जो है इसका डिस्कस करने वाले हैं आज। भी क्या बोल रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स ए रेफरेंस, मतलब किस टाइप का इंफॉर्मेशन जो है यदि हम टेक्स्ट में डाल रहे हैं उसके लिए रेफरेंस की जरूरत है, राइट? तो जनरल रूल क्या बोलता है, वो ये है कि यू डू नॉट नीड ए रेफरेंस फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए कॉमन लैंग्वेज एंड इज इन द पब्लिक डोमेन। मतलब यदि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम यदि सारे लोग कंसिडर करते हैं कि ये कॉमन लैंग्वेज है और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मतलब वो सबके लिए सब कोई उसको एक्सेस कर सकता है बिना परमिशन के, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए रेफरेंस साइट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सन राइजेज इन ईस्ट, अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? तो वैसे इस तरह से कोई भी जो फैक्ट्स जो हैं जो कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज होता है जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ टिपिकली दिस इज इंफॉर्मेशन दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू ए फैक्ट इन योर फील्ड। उस स्टेटमेंट को ट्रू माना जाता है विच इज ए फैक्ट जो आपके फील्ड में है, एक्सेप्टेड है कि ये तो सही है ही। ऑन द अदर हैंड द ओरिजिन ऑफ एन आइडिया और एन ओपिनियन रिसर्च फाइंडिंग और थ्योरी दैट इज ओपन टू चैलेंज एंड डिबेट शुड बी रेफरेंस्ड। मतलब तीन चीजों को हमें रेफरेंस करना है। उसमें क्या है, एक रेफरेंस करना है किसी का ओरिजिन ऑफ आइडिया है, मतलब किसी का एक आइडिया जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हो रहा, वो किसी एक प्रोफेशनल आदमी का आइडिया है, राइट? उसको रेफरेंस करना है, या किसी का ओपिनियन हो सकता है तो वो किसका ओपिनियन है वो रेफरेंस करना है। उसके बाद किसी की रिसर्च फाइंडिंग हो सकती है, किसी ने ऑलरेडी स्टडी करी और वो फाइंड करके बताया कोई फैक्ट, तो वो रिसर्च फाइंडिंग को रेफरेंस करना है, या ऐसी थ्योरी दैट इज ओपन टू चैलेंज, मतलब ऐसी थ्योरी जो है वो अभी सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए ट्रू, राइट? मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है कि भाई, चैलेंज करने का मतलब कि अभी सारे लोग एग्री नहीं करते कि ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, राइट? और दूसरा रिसर्च करने वाला आदमी वो अपने व्यूज रख के कि भाई ये हमको लगता है कि सही नहीं है, उसके लिए वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इकट्ठा कर रहा है, तो उसको मानेंगे कि ये चैलेंज हो सकता है इस थ्योरी को, मतलब दैट थ्योरी इज चैलेंज करने लायक है, तो उसको भी रेफरेंस करना है। या डिबेट हो जाए किसी बात पे, मतलब वही डिबेट में भी आपका ओपिनियन कुछ है मेरा ओपिनियन कुछ है, तो इस टाइप की चीजें हैं, तो उसको क्या करना है, उसको रेफरेंस करना है, शुड बी रेफरेंस। दिस कैटेगरी वुड इंक्लूड, अब ये इस कैटेगरी में जिसको रेफरेंस करना है ये इस तरह का वो आइडिया ओपिनियन रिसर्च फाइंडिंग्स थ्योरी दैट इज टू बी चैलेंज्ड और डिबेट, ये सारी चीजें जो हैं उसमें क्या क्या चीज, इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आती हैं स्टैटिस्टिक्स आता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब किसी का टेबल है ऑलरेडी बनाया और वही टेबल हम एग्जैक्टली उठा रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स में आ गया। दूसरा फॉर्मूला किसी ने ऑलरेडी डेवलप किया और वो फॉर्मूला हम उसका कॉपी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मशीन लर्निंग का है, किसी ने मॉडल को ट्रेंड किया
और मॉडल ट्रेंड करने के बाद सपोज करो एक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बना दिया, तो वो एक पर्टिकुलर फार्मूला बन गया। अब उस फार्मूला को हम कहीं पे अपने टेक्स्ट में लेकर के आ रहे हैं तो हमें उसको रेफरेंस करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से कोई इलस्ट्रेशंस हो, जैसे मान लो कि किसी ने किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आर्ट वर्क किया हो, या कोई फिगर बनाया हो, या कोई ग्राफ बनाया हो, जिस फिगर और ग्राफ को हम लोग अपने टेक्स्ट में लेकर के आ रहे हैं, राइट, उसको दिखा रहे हैं, तो वो भी हमें रेफरेंस करना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में ही आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आएगा, फॉर्मूला आएगा और इलस्ट्रेशन आएंगे। इन सम डिसिप्लिन्स बोल रहा है, स्पेशली वेयर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज टेंड्स टू बी क्यूमुलेटिव, मतलब बहुत ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो आते हैं, जो जो भी इंफॉर्मेश जो नॉलेज जो हमें गेन होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, मतलब एक एक करके जोर जोर करके कुछ भी स्पेस में काम हुआ और तब जाके फाइनली एक चीजें उभर के आती हैं, मतलब कोई चीज इवॉल्व होती रही और तब जाके एक थ्योरी बना, राइट, ऐसा भी होता है। यही बोल रहे हैं, इन सम डिसिप्लिन स्पेशली वेयर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज टेंड्स टू बी क्यूमुलेटिव, इंफॉर्मेशन विच वंस रिक्वायर्ड ए रेफरेंस कैन बिकम कॉमन लैंग्वेज ओवर द टाइम। मतलब ये बोल रहा है कि स्पेशली वेयर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज टेंड्स टू बी क्यूमुलेटिव, तो बोल रहा है इंफॉर्मेशन विच वंस रिक्वायर्ड ए रेफरेंस, मतलब एक बार रेफरेंस चाहिए, उसको रेफरेंस चाहिए, कैन बिकम कॉमन लैंग्वेज ओवर द टाइम पीरियड, मतलब वो उसके बाद तो वो, जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम जो क्यूमुलेटिव है, तो मतलब आज एक नॉलेज बना, उसके बाद उसमें जाकर के एड ऑन हुआ, फिर आगे चल करके और एड ऑन हो रहा है, तो बोल रहा है कि जो पहली बार जो बना वो अब जाकर के कॉमन लैंग्वेज बन जाता है, कॉमन नॉलेज बन जाता है, जो पहली बार, विच वंस रिक्वायर्ड ए रेफरेंस कैन बिकम कॉमन लैंग्वेज ओवर द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज वंस कॉन्टेस्टेड दैट द अर्थ वॉज राउंड, पहली बार तो ये था कि अर्थ राउंड है, ये तो लोगों को नहीं पता था पहले, वी कैन नाउ सेफली अस्यूम दैट दिस इज ए कॉमनली एक्सेप्टेड फैक्ट विच डज नॉट नीड टू बी रेफरेंस्ड, अब जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये हुआ होगा तो उस समय पे रेफरेंस की जरूरत पड़ी थी। हाउएवर, इन सम डिसिप्लिन्स सच एज फिलोसफी वेयर नॉलेज इज कॉन्स्टेंटली बींग डिबेटेड, अब क्या है फिलोसफी में, जहां पे अब फिलोसफी जो होती है ना, देखो आप कोई भी बात करो, देखो लो जो कॉमन घर में भी हम लोग बात करते हैं तो लोग बोलते हैं फिलोसफी बताने की जरूरत नहीं है, मीन्स जो भी चीज आप बोल रहे हो वो दूसरा आदमी क्या उसको चैलेंज कर रहा है, आप समझ रहे, तो फिलोसफी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज होती है, क्योंकि एक नया फिलोसफी का मतलब एक नया बिलीफ सिस्टम आप लेकर के आते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको सारे लोग एक्सेप्ट करें, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग उसको चैलेंज करेंगे। तो ये बोल रहा है, हाउएवर इन द डिसिप्लिन सच एज फिलोसफी वेयर नॉलेज इज कॉन्स्टेंटली बींग डिबेटेड इंटरप्रेटेड एंड रिविजिटेड, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज इज मोर रिमोट, उस केस में वो दूर दूर तक उसको कॉमन लैंग्वेज नहीं माना जाता बेसिकली, क्योंकि वो हर बार क्या हो रहा है, डिबेट भी हो रहा है उसके ऊपर, इंटरप्रेट भी हो रहा है, लोग रिविजिट कर रहे हैं उसी बिलीफ से, उसी फिलॉसफी पे, कि आखिर वाकई वो फिलॉसफी ठीक है नहीं है, लाइक दैट। इनडीड रिसर्च हैज शोन दैट द नंबर ऑफ साइटेशन यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इज फार ग्रेटर देन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब अब ये बोल रहा है कि रिसर्च हैज शोन दैट द नंबर ऑफ साइटेशन यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इज फार ग्रेटर देन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा साइटेशन जो है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में होते हैं, क्योंकि इधर फिलॉसफी आती है जो बार बार डिफरेंट डिबेटेड होती है, राइट, इंटरप्रेट होती है डिफरेंट ढंग से, और उसको लोग बार बार रिविजिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज का और कॉमन नॉलेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता,
इसलिए आपको हर फिलॉसफी को रेफरेंस करना पड़ेगा कि ये फिलॉसफी किसने दी। जैसे सोशल साइंस में भी ऐसे ही होता है कि ये इस आदमी की फिलॉसफी है कि आदिवासी लोग ऐसे काम करते हैं, और उसके ऊपर उसने डेटाबेस कलेक्ट किया था सोशल साइंस में। मतलब सोशल साइंस में और भी चीज़ें आती हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को वो लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, उनके सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर्स कैसे हैं। उसी तरह ह्यूमैनिटी में पॉलिटिकल साइंस सब बहुत सारी चीज़ आ जाती है ना, तो वहाँ पे किसी के विचार अलग हो सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे रेफरेंस करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज बन गया उसको रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज नहीं बना है उसको रेफरेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। The two statements about Christopher Columbus in example 7.1 illustrates the difference between common and contested language. मतलब एक common language क्या है और contested language क्या है, कि मतलब contested का मतलब ये हो गया कि अभी वो सही है, मतलब उस पर debated है एक तरह से। In the first example, no citation is included as it is widely accepted that Columbus did undertake the voyage across the Atlantic in 1492. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ 7.1, एग्जाम्पल 7.1 कॉमन और कॉन्टेस्टेड लैंग्वेज नॉलेज का। यहाँ पे लिख रहा है पहला, क्रिस्टोफर कोलम्बस सेल्ड अक्रॉस द एटलांटिक ओशन इन 1492। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे कोई साइटेशंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि कोलंबस डिड अंडरटेक द वॉयज अक्रॉस अटलांटिक इन 1492 में। बट दूसरा बोल रहा, हाउएवर द सेकेंड स्टेटमेंट डज रिक्वायर ए सोर्स टू बी गिवन एज द लोकेशन ऑफ द रिमेन्स कोलंबस इज स्टिल डिस्प्यूटेड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च इन्वॉल्विंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम 500 ईयर्स ओल्ड बोन्स, इट हैज बीन क्लेम्ड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस इज बरीड इन द कैथेड्रल इन सेवेली स्पेन एंड नॉट इन द डोमिनिशियंस रिपब्लिक, अटलांटिक एसोसिएटेड प्रेस 2006। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनको कहाँ बड़ी किया गया था, उसके बीच में डिस्प्यूट है, राइट। और ये बोल रहे हैं कि 5500 ईयर ओल्ड बोन के सैंपल देखने के बाद ये लोग डिसाइड किए कि ही वाज क्रिस्टोफर वाज कोलंबस इज बरीड इन कैथेड्रल सेविल स्पेन में बरीड हुए, लेकिन अभी भी ये डिस्प्यूटेड है। तो इसलिए बोल रहा है कि इसलिए इसके रेफरेंस की जरूरत है, समझ गए। तो एक्सेप्टेड फैक्ट नो रेफरेंस, लेकिन जहां पे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है वो वहां पे रेफरेंस की जरूरत है, ठीक है। समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस इन ओपिनियन अबाउट वेदर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉमन लैंग्वेज और नॉट। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी आपको कोई मिलेगा स्टेटमेंट जहाँ पे लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, कुछ लोग मानेंगे कि ये कॉमन लैंग्वेज है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी ये कॉमन नॉलेज नहीं है। इंडीड ए क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए कॉन्टेस्टेबल आइडिया एंड ए कॉमनली एग्रीड फैक्ट इज ऑलवेज पॉसिबल, हाँ सॉरी इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो ये बोल रहा है कि क्लियर डिस्टिंक्शन जो है वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि एक्चुअली में ए फैक्ट है, कॉमनली एग्रीड फैक्ट है या कॉन्टेस्टेबल आइडिया है, मतलब जिस पे डिबेट हो सकता है। तो बोल रहा है कि इफ यू आर इन डाउट, यदि मान लो कि आपको डाउट है अबाउट वेदर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स अ साइटेशन, तो आपको डाउट है कि आपको लग रहा है कि वाकई में इस इंफॉर्मेशन के लिए साइटेशंस की जरूरत है क्या, तो बोल रहा है कि इट इज ए गुड आइडिया टू प्रोवाइड वन टू अवॉइड एनी रिस्क ऑफ प्लेजरिज्म। तो उस केस में आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहिए प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए। तो जहां पर भी डाउट हो कि कॉमन लैंग्वेज है या कॉन्टेस्टेड आइडिया है, वहां पर आप रेफरेंस प्रोवाइड कर दो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो।
अब आते हैं रेफरेंसिंग सिस्टम्स क्या है। देर आर थ्री मेन सिस्टम ऑफ रेफरेंसिंग बोल रहे हैं। टेबल 7.1 शोज दिस फॉर्मेट्स एंड द कोरस्पोंडिंग लेआउट ऑफ द बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंस एट द एंड ऑफ द डिजिटेशन और थेसिस। अभी तीन तरह का रेफरेंस स्टाइल जो है जो कॉमनली यूज होता है वो यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है। देर इज यूजली एन एक्सेप्टेड सिस्टम इन योर डिसिप्लिन सो इट इज अ गुड आइडिया टू कंसल्ट एनी डिपार्टमेंट गाइडलाइन यू कैन फाइंड। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि हर डिसिप्लिन में कुछ गाइडलाइन जो होते हैं साइट करने के गाइडलाइन वो एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पहले आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और जिस डिसिप्लिन में आप अपना थेसिस कर रहे हो तो उस डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस को देख लो कि वो लोग कौन से स्टाइल को फॉलो करते हैं, मतलब किस टाइप के फॉर्मेटिंग जो है वो यूज करते हैं, रेफरेंसिंग सिस्टम यूज करते हैं। बोल रहा है अल्टरनेटिवली यू कैन लुक इन एन इम्पॉर्टेंट जर्नल इन योर फील्ड एंड फॉलो द सिस्टम दैट इट रिक्वायर्स फॉर द आर्टिकल्स इट पब्लिशेस। मतलब बोल रहा है दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक तो है कि डिपार्टमेंट की चीजें पूछ लो और नहीं तो कोई आप जर्नल ले लो जो एक इम्पोर्टेंट जर्नल है जो आपके फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट जर्नल होगा और वहां पे देख लो कि वो कौन सा सिस्टम जो है रेफरेंसिंग सिस्टम जो है वो कौन सा यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मेट वो लोग यूज करते हैं। सो दैट फॉर्मेट ऑल्सो यू कैन यूज इट आउट, राइट। अब देखो यहाँ पे इस टेबल को पढ़ते हैं और तीन डिफरेंट टाइप के जो रेफरेंसिंग सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये तीन डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो एक है हार्वर्ड सिस्टम है एक, ठीक है, दूसरा जो है न्यूमेरिकल सिस्टम है और तीसरा जो है फुट नोट्स और एंड नोट्स। तो ये तीन तरह के रेफरेंसिंग सिस्टम्स हैं। अब इस रेफरेंसिंग सिस्टम में देखो हार्वर्ड सिस्टम में क्या करते हैं, ऑथर से सरनेम और ओकेजनली फर्स्ट एंड सरनेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द वर्क साइटेड। मतलब यहाँ पे हार्वर्ड सिस्टम में क्या करते हैं, सरनेम यूज करते हैं या कई बार सरनेम और फर्स्ट नेम भी लोग यूज करते हैं, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा साल का पब्लिकेशन है उसको यूज करते हैं साइट करने के लिए। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कई डिसिप्लिन में हार्वर्ड सिस्टम जो है वो यूज होता है। अब यहाँ पे दे रहे हैं सिक्वेंस ऑफ एंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। तो जो आप रेफरेंस जो सेक्शन बनाते हो या बिब्लियोग्राफी बनाते हो उसमें हार्वर्ड सिस्टम जब फॉलो करते हो वहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बात किया था कि रेफरेंसिंग जो है वो दो जगह करनी होती है, एक तो टेक्स्ट के अंदर करना है और दूसरा जो है वही उसी का जो है वो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस सेक्शंस में होएगा, तो दो प्लेस पे आएगा, राइट। तो इन टेक्स्ट में तो ऐसे करेंगे सरनेम डालेंगे या सरनेम प्लस फर्स्ट नेम कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और बिब्लियोग्राफी में चलेंगे तो यहाँ पे अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू ऑथर सरनेम। अब सरनेम के हिसाब से जो होगा वो अल्फाबेटिक लिस्ट बनाओगे, जैसे मान लो कि अनिल कुमार पांडे तो पांडे के हिसाब से पी से बनेगा, जैसे रीमा चौधरी मान लो कि तुम्हारा नाम है तो चौधरी के हिसाब से बनेगा वो, ऐसे तो चौधरी पहले आएगा, पहला नाम पहले तुम्हारा नाम आएगा रेफरेंस में, उसके बाद पांडे आएगा, यदि यही दो रेफरेंस है तो ऐसा समझना है, राइट। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो अरेंज करते हैं वहां का रेफरेंस। उसके बाद है दूसरा सिस्टम जो है न्यूमेरिकल सिस्टम है। न्यूमेरिकल सिस्टम में क्या करते हैं, ए फुल साइज नंबर इज यूज्ड आफ्टर द रेफरेंस इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। जैसे वहां पे दिस सिस्टम इज मोर कॉमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इस टाइप का सिस्टम जो है इन साइंस और इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे इन टेक्स्ट जब रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर देंगे कि 1, 2 या 3, देख कि कौन सा न्यूमेरिकल नंबर लिखेंगे, जैसे 1 फर्स्ट रेफरेंस के लिए मैं 1 वहां पे लिखने वाला हूँ, और बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो वहां पे जो सजेगा वो वैसे ही होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आएगा वहां पर भी, और 1 में जो वहां पे 1 लिखा है उसका रेफरेंस पूरा का पूरा होगा,
यहाँ पे डिटेल्ड होगा। तो ये बोला न्यूमेरिकल लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर इन विच ईच रेफरेंस फर्स्ट अपीयर्स, राइट, फर्स्ट अपीयर्स इन द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट इन द डिजिटेशन और थीसिस, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल लिस्ट ऑफ रेफरेंस जो होगा कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर इन विच ईच रेफरेंस फर्स्ट अपीयर इन द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, उसी के हिसाब से ये अरेंज होगा थीसिस में। मतलब जैसे मान लो कि आपका आपने इंट्रोडक्शन लिखा, तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस आया होगा, फिर दूसरा आया होगा, फिर तीसरा आपने कोट किया होगा, तो उसी के हिसाब से फर्स्ट बिब्लियोग्राफी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रेफरेंस आएंगे। समझ में आए? तीसरा जो जो फॉर्मेट है वो क्या है, फुटनोट और एंड नोट्स का है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्मॉल सुपर स्क्रिप्ट नंबर इज यूज्ड आफ्टर द रेफरेंस इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं नंबर, सिर्फ ब्रैकेट में, हम लोग ब्रैकेट में नंबर देते हैं और कहीं कहीं पे सुपर स्क्रिप्ट की तरह यूज करते हैं। स्मॉल सुपर स्क्रिप्ट नंबर इज यूज्ड आफ्टर द रेफरेंस इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, द फुल रेफरेंस इज गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज इन ए फुट नोट और एट द एंड ऑफ द चैप्टर इन द इन एन एंड नोट। मतलब उसमें क्या होता है, एक एक पेज चलते रहता है, तो वो क्या करें, फर्स्ट पेज पे जहां जहां पे रेफरेंस देना होगा तो टेक्स्ट में क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट करके डाल देंगे 1 2 3 जो भी होगा, और वो पेज जहां पे एंड हो रहा है वहां पे 1 2 3 उसका रेफरेंस दे देते हैं, ओके। दूसरा बोला, या एंड ऑफ द चैप्टर में देते हैं। दिस सिस्टम इज मोर कॉमन इन डिसिप्लिन सच एज इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में इस टाइप के रेफरेंस फॉर्मेट यूज करते हैं। और यहाँ पे जब बिब्लियोग्राफी वाला में आओगे तो वहां पे क्या करेंगे, अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू ऑथर सर नेम के हिसाब से दिया जाता है। समझ गया, ऑथर का जो सर नेम जो था उसके हिसाब से अल्फाबेटिक लिस्ट बनाया जाता है। सो ये तीनों स्टाइल में डिफरेंस है, राइट, और कैसे उसको यूज करना है, टेक्स्ट में कैसे रेफरेंस करना है और बिब्लियोग्राफिक में कैसे देना है। ठीक है जी, चले आगे। एज इंडिकेटेड इन 7.1 द फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ योर डिसिप्लिन, इफ फॉलोइंग द हार्वर्ड सिस्टम द रेफरेंस includes the surname of the cited author and the year of publication of the work cited. हम लोग already explained कर चुके हैं, right? If the reference is a direct quotation, लेकिन यदि reference में हम direct quotation use कर रहे हैं तो क्या करना है, the page number should also be included. तो उस केस में क्या करना है, पेज नंबर भी include करना है यदि direct quotation आप use कर रहे हो तो। चलो, अल्टरनेटिवली ए न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ रेफरेंसिंग मे बी यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड व्हेन अ साइटेशन अकर्स विद इन द टेक्स्ट, ए फुल साइज नंबर इज यूज्ड इन ब्रैकेट्स, उसको ब्रैकेट में यूज करते हैं फुल साइज नंबर को, विच कोरस्पॉन्ड्स टू द नंबर एलोकेटेड टू द फुल रेफरेंस इन द बिब्लियोग्राफी, राइट। बिब्लियोग्राफी में पूरा रेफरेंस देते हैं, फुल रेफरेंस देते हैं, मतलब पूरा डिटेल देते हैं, ओके, ठीक है। द यूज ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम डज नॉट प्रीक्लूड द यूज ऑफ एन ऑथर्स नेम एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, बट बिकॉज इन द फील्ड्स इन विच द सिस्टम इज यूज्ड इट इज मोर कन्वेंशनल टू फोरग्राउंड द रिसर्च एंड द फाइंडिंग्स एज अपोज टू द रिसर्चर्स who conduct the work. The use of author's name is not usual or frequent. मतलब बोलता है कि यहाँ पे जो जो numerical system जो use करते हैं वो 1 और 2, वो इसलिए करते हैं, वो बोलते हैं कि वहाँ पे लोग, उनके दिमाग में होता है कि research को मुझे ज़्यादा importance देना है, author को उतना नहीं देना है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा नहीं है कि आप author का नाम नहीं लिख सकते ऐसा, but generally लोग ऐसा करते हैं, ओके। बोल रहे हैं, विच एवर फॉर्मेटिंग सिस्टम यू एडॉप्ट देर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द वर्क ऑफ अदर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन योर राइटिंग। चाहे आप कोई भी रेफरेंस फॉर्मेट यूज करें,
लेकिन देर आर नंबर ऑफ वेज बोल रहे हैं, देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दैट द वर्क्स ऑफ अदर कैन बी प्रेजेंटेड इन योर राइटिंग, मतलब कई तरीके से दूसरे के वर्क को अपने वर्क में प्रेजेंट किया जा सकता है। द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी इज आउटलाइंड बिलो, अब किस किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो उसकी बात बता रहे हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू बी मेड इज बिटवीन द इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल रेफरेंस, अब दो तरह के रेफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या एक इंटीग्रल रेफरेंस है कोई एंड नॉन इंटीग्रल रेफरेंस है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी कन्वेंशन ऑन देयर यूज, और दूसरा जो बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन मतलब किस डिसिप्लिन में वो यूज हो रहा है, वहां के कन्वेंशन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट ठीक है। तो ये अभी आगे जो है इसके बारे में वो बताएगा कि इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल रेफरेंस में क्या अंतर है और हर डिसिप्लिन में वो कैसे कैसे यूज होता है और उसका क्या इम्पैक्ट है वो डिस्क्राइब होगा। इंटीग्रल रेफरेंस, एन इंटीग्रल रेफरेंस इज ए साइटेशन वेयर द साइटेड ऑथर्स नेम हैज ए ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस इन विच यू इंक्लूड इट इन योर राइटिंग, मतलब वो क्या होता है यदि इंटीग्रल रेफरेंस साइट जो है वो ये होता है कि आप उस सेंटेंस में ना बिल्कुल ग्रामर की तरह यूज होगा, समझे कि जैसे ऑथर का नाम हो उसके हिसाब से ग्रामर उसका चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल अभी आएगा ठीक है। देर आर वेरियस वेज इन विच एन इंटीग्रल रेफरेंस कैन ऑकर, फर्स्ट द साइटेड ऑथर कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, हो सकता है साइटेड ऑथर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन सकता है, राइट विच इंक्लूड्स पैराफ्रेज समरी और डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द साइटेड ऑथर्स बुक, एग्जाम्पल 7.2 दिखाया, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जब इंटीग्रल रेफरेंसिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो ऑथर नेम क्या बन सकता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट बन सकता है पहले चीज, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हो, समरी उसका लिख सकते हो या वही चीजें डायरेक्ट कोटेशंस में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखो डोना हार्वे, अब यहाँ पे दो बार उसने क्या कर दिया ईयर का दे दिया, राइट 1991 और 1997, amongst other scholar has argued that knowledge is embodied and situated, that the content of a scientific text is shaped by the place of its production, समझ गए। तो देखो ये इसको सब्जेक्ट बना लिया, तब ग्रामेटिकल सेंटेंस की तरह यूज किया इस रेफरेंस को वैसे, तो ऐसे यदि करोगे तो आपको ऐसे ही साइटेशंस करने हैं, समझ में आया, ये इंटीग्रल साइटेशंस का एग्जांपल है, समझ गए। देखो कई बार ना स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है कि हमको किस ढंग से रेफरेंस यूज करना है, राइट ये सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन कि आपने रिक्वायरमेंट जो है वो उसके हिसाब से आप ले, यदि मान लो कि इस तरह से आपका सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है तो आप इंटीग्रल रेफरेंसिंग सिस्टम यूज कर लो, करेक्ट ठीक है। सेकंड, द साइटेड ऑथर कैन बी इंक्लूडेड इन एन एडजंक्ट फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसको फ्रेज की तरह भी यूज करा जा सकता है, यहां बोल रहा है जैसे अकॉर्डिंग टू वरने एट ऑल, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ द करेंट एजेंडा ऑफ सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी टू एक्वायर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ऑथर कैन बी इंक्लूडेड इन एन या एन एडजंक्ट फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड, क्या द साइटेड ऑथर कैन बी द एजेंट ऑफ द वर्ब इन अ पैसिव सेंटेंस, अब क्या है वो पैसिव सेंटेंस भी बना करके उसको क्या कर सकते हो वर्ब का एजेंट बना सकते हो ऑथर को, जैसे यहां पे दिखाया बाय एंड फॉलोज प्रीपोजिशन बाय एज इन एग्जांपल 7.4 में, अब देखो यहां पे क्या लिखा
one cross-sectional study that may support hypothesis was conducted by this. ठीक है, तो एजेंट ऑफ द वर्ब बना दिया इन पैसिव सेंटेंस में, तो ऐसे भी आप साइट करते हो. तो ये इंटीग्रल साइटेशंस के एग्जांपल थे. इंटीग्रल रेफरेंसेस आर मोर ऑफन सुटेबल इफ यू विश टू एम्फसाइज द साइटेड ऑथर ओनरशिप ऑफ आइडियाज बीइंग साइटेड. मतलब बोल रहा है इंटीग्रल रेफरेंसेस वहां पे सुटेबल है जहां पे आप इम्फेसिस किस पे दे रहे हो, ऑथर के ओनरशिप को दे रहे हो, मतलब ऑथर को इम्पोर्टेंस बना रहे हो कि इस ऑथर ने ये काम किया था. यदि आपका इस तरह का ये है मतलब विचार है या आप ऐसा यूज करना चाहते हो अपने सेंटेंस में, अपने थेसिस में, तो उस केस में आपको इंटीग्रल रेफरेंसिंग यूज करना चाहिए. बाई द सेलेक्टिव यूज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स सच एज आर्ग्यूज, बिलीव्स एंड फाउंड, इट इज पॉसिबल टू इंडिकेट द एटीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ कमिटमेंट ऑफ द साइटेड ऑथर टू द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बींग साइटेड. अब मान लो कि जो भी, चूंकि आप एक क्या कर रहे हो कि इंटीग्रल रेफरेंसिंग में ऑथर को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उसने ये काम किया, तो बोल रहा है कि ऑथर का एटीट्यूड यदि आपको इंडिकेट करना है या उसके स्ट्रेंथ को इंडिकेट करना है कि जो भी उसने स्टडी करी, उसके लिए वर्ब जो है आप यूज कर सकते हो ही आर्ग्यूज, उसका नाम डाल करके, ही बिलीव्स समबडी, राइट, एंड और ही फाउंड, मतलब ही में करने का मतलब उस ऑथर का नाम आ जाएगा. तो ये आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है आप यूज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गिव एन इंडिकेशन ऑफ योर ओन व्यू ऑफ साइटेड इंफॉर्मेशन बाई च्वाइस. See the section below on choice of reporting verb in chapter 9 में. Chapter 9 में जो आएगा अभी कैसे reporting verb use करना है. But यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना views भी दे सकते हो, अपने views को भी. You can also indicate your own view of cited informations. मतलब कोई भी information आपने cite किया उसके ऊपर अपना view भी लिख सकते हो, ये बोल रहा है, right? For example, by using a reported verb such as argue, you can show that the information you are incorporating is the opinion of the cited author and that you or other might not agree. ठीक है, आप समझ रहे हैं? मतलब ये opinion of author आप cite कर रहे हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उससे agree करते हो. इन द फील्ड, चलो देखो जरा, इन फील्ड सच एज ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस वेयर नॉलेज इज मोर फ्लूइड एंड कॉन्टेस्टेड, ए राइटर इज लाइकली टू मेक मोर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स. एग्जाम्पल 7.5 शोज हाउ राइटर यूजेज इंटीग्रल रेफरेंसेस to illustrate the views of three different authors, group of authors in relation to the definition of the term language maintenance. मतलब अब इसके example को आप देखते एक बार पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक कर क्या रहा है. Example integral references का है for comparison of viewpoint. मतलब कुछ लोगों के viewpoint को compare कर रहा है और वहाँ पे जाकर के author यहाँ पे example दिखा रहा है कि integral reference जो है कैसे use करा जाता है. स्पेशली ये जो है ह्यूमैनिटी से एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हम लोगों के भी फील्ड में ऐसा हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि तीन लोगों के व्यू पॉइंट को हमें कंपेयर ना करना पड़े, और यदि हम चाहते हैं ऑथर को इम्पोर्टेंस देना तो हम लोग इंटीग्रल रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में भी. यहाँ पे दिखा जाए द अकॉर्डिंग टू मिट्रो एंड मिट्रो जो भी है, राइट, लैंग्वेज मेंटेनेंस कैन सिग्निफाई द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली maintaining, if necessary by government intervention, a particular form of a language in a population where there is a linguistic diversity, or it can refer to non-institutional practice in a small-scale communities to ensure the survival of the community language. फिर उसके बाद दूसरे author का दे रहा है. Thiever views LM as either सेकेंड बोल रहा है ना,
either second, a description of the state of shift that language has undergone, that is how much of a language is actually maintained, or third, as a activities engaged with an aim of maintaining language for face at all. वो फिर तीसरे का बात कर रहा है बेसिकली. लेकिन हर में देखोगे तो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट बनाया उनको, और सब्जेक्ट बना करके उन्होंने अपनी उनके व्यूज पॉइंट को रखा. एक वाले में सब्जेक्ट बना करके एक ही सेंटेंस, एक दो सेंटेंस बनाया. दूसरे वाले में पॉइंट वाइज कर दिया, 1, 2, 3 पॉइंट इसने बोला, और तीसरे में फिर एक सेंटेंस बना के दे दिया. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सोच हाउ राइटर जो है यूजेस इंटीग्रल रेफरेंस टू इलस्ट्रेट द व्यूज ऑफ थ्री डिफरेंट ऑथर्स इन रिलेशन टू द डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज मेंटेनेंस. लैंग्वेज मेंटेनेंस के डिफिनीशंस के बारे में तीन लोगों के अलग अलग क्या व्यू पॉइंट हैं, उसके लिए उसने इंटीग्रल रेफरेंस यूज करा है. सी क्लियरली एम्फसाइजेस द थ्री सोर्सेज एंड अल्टरनेटिव डिफिनीशंस एंड देन मूव्स ऑन टू स्पेसिफाई हाउ हर ओन रिसर्च यूजेज द टर्म. और फिर अब आगे जाकर के वो बता रहे कि लैंग्वेज मेंटेनेंस वाले टर्म को वो खुद अपने रिसर्च में यूज कर रही है, जिसके ऊपर ये तीन लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है. ठीक है, बस यहीं पे रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन इंटीग्रल रेफरेंस जो है उसको डील करा जाएगा. ठीक है, थैंक यू.